अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सैमल्स किचन। आज मैं बहुत ही मजे की रेसिपी लाई हूँ, 3 ब्रेड स्लाइस और 3 एग्स से बहुत ही मजे के हम कटलेट्स बनाएंगे। चले देखते हैं किन चीजों की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 ब्रेड के स्लाइस, 3 बॉयल्ड एग। यहाँ पे मसाले कुछ लिए हैं मैंने, 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर, 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक या ज़रूरत के मुताबिक, 1/2 टीस्पून जीरा भुना कुटा हुआ। यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबलस्पून धनिया कटा हुआ, 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून बारीक कटा प्याज। यहाँ पे मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं। यहाँ पे 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी लिया। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं लूंगी प्लेट में ब्रेड के स्लाइस, इसको हम पानी से सोक करेंगे। ये 1/4 कप मैंने पानी लिया है, इसके साथ इसको हम सोक करेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस में सोक हो गए हैं। अब इसको हम हाथों की मदद से इसका पानी निकाल के इसको हम ड्राई करेंगे। ये देखें, जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाएगा इसमें से। ये देखें, पानी निकल रहा है। इसको हम बोल में डाल देंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा हाथों से खोल लूंगी। 3 बॉयल्ड एग लिए हैं, इसको हम कद्दूकस करेंगे। इन तीनों अंडों को हम कद्दूकस कर लेंगे। अब इसमें ये धनिया, प्याज और हरी मिर्चा चली जाएंगी। बहुत ही मज़े के ये कटलेट्स बनके तैयार होते हैं, बच्चों के बहुत ही फेवरेट है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें, टी टाइम रखें, बहुत ही मज़े के बनेंगे। और यहाँ ये सारे स्पाइसेस चले जाएंगे। ये कॉर्नफ्लोर चला जाएगा इसमें, इससे ये अच्छे से बाइट हो जाएंगे। अब हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे इसमें। अब इसके हम छोटे छोटे कटलेट्स तैयार करेंगे। जो भी आपको शेप पसंद आए आप उस तरह बना लें। ये देखें, इस तरह मैं सारे तैयार करूंगी। इसको मैं रख लूंगी, इसी तरह हम दूसरा बनाएंगे। सारे कटलेट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम अब प्लेट में डालूंगी ये ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो फ्रेश वाले भी ले सकते हैं। अब एक एक पकड़ेंगे, इसको हम इसमें कोट करेंगे। कुछ और लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह इसको हम और इसकी शेप सेट करेंगे। ये देखें, इसे रख के इसी तरह मैं दूसरा भी कर लूँगी। इसी तरह हम ये सारे तैयार करेंगे। अब ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम एक एक करके डालेंगे। अंदर से हर चीज़ पकी हुई है, बस हमने ऊपर से इसको हमने गोल्डन करना है, इसलिए आप ज़्यादा मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें। अभी आपने इसमें चम्मच नहीं लगाना, क्योंकि बहुत ही ये सॉफ्ट एंड टूट जाएंगे। बस इसको एक तरफ से हम गोल्डन होने देंगे। ये एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं। अब इसकी मैं साइड चेंज करूँगी। बहुत ही आहिस्ता आप इसकी साइड चेंज करें हल्के हाथ से। वैसे तो हम डीप फ्राई करें, आप चाहें तो इसको स्टर फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, इसको निकाल लेंगे आप। इसी तरह हम सारे निकाल के इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़े के हमारे कटलेट्स बनके तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर बनाइए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, आप खुद चाय के साथ इसको खाएं, मेहमानों के आगे रखें। आपको ये कटलेट्स बहुत ही मज़े के लगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।